नमस्कार वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर सिटी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की ओर से 50 से अधिक इलेक्ट्रिक बाइक की गई जब्त। नगर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का अनोखा अभियान। नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने वाली टोली का नागपुर क्राइम ब्रांच पुलिस ने किया पर्दाफाश। क्राइम ब्रांच द्वारा आगे की जांच जारी। और बॉर्डर पर आरटीओ चेक पोस्ट पर अवैध वसूली के खिलाफ आंदोलन। नागपुर के बंटी बाबा शेलके ने शुरू किया अनशन। नागपुर ट्रेलर ओनर्स यूनियन द्वारा आंदोलन को किया गया समर्थन। नागपुर सिटी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन में 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को जब्त किया गया है, जिसकी समय सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक पाई जाती है। सामान्य तौर पर पिछले 2 से 3 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति उपभोक्ताओं की भावना बढ़ी है। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी न होने के कारण इलेक्ट्रिक बाइक बेचने वाले उपभोक्ताओं ने इन अज्ञानता का फायदा उठाकर उपभोक्ताओं को ठगना शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी क्षमता कितनी होती है, वाहन लेने का अंतिम निर्णय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में वाहन की गति सीमा और उस वाहन के पंजीकरण के संबंध में सभी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही लिया जाना चाहिए, अन्यथा आप पर भी पछताने का समय आ सकता है। नियम के मुताबिक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले दोपहिया वाहनों को आरटीओ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। हालांकि ग्राहकों को बिना कोई नोटिस या सूचना दिए 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले वाहनों को बेच रहे हैं। नागपुर सिटी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के अधिकारियों ने बैटरी की क्षमता से तेज चलने वाले वाहनों के कारण आग लगने का एहसास होने के बाद इलेक्ट्रिक बाइक का निरीक्षण करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। इसके मुताबिक 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक्स जब्त की जा चुकी है। बताया गया है कि सैकड़ों वाहन नियमों का उल्लंघन कर दौड़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र राज्य यांच्या आदेशानुसार संपूर्ण राज्यभरामध्ये ही मोहीम राबवण्यात आलेली आहे। या मोहिमेअंतर्गत जी वाहनं कायद्याचं उल्लंघन करतात, म्हणजे अशा प्रकारची इलेक्ट्रिक वाहनं आहेत ही की ज्यांना नोंदणीची गरज नाही अशा नावाने ग्राहकांना विकले जात आहेत, त्यांच्यासाठी वेग मर्यादा 25 किलोमीटर प्रति आवरपेक्षा कमी असावी। त्याच्यामध्ये जी इलेक्ट्रिक मोटर आहे ती 250 वॅटपेक्षा कमी क्षमतेची असावी। तसेच त्यांचं अनलेडेड वेट हे 60 किलोग्रॅमपेक्षा कमी असावं। अशा वाहनांना नोंदणीची गरज नाही आहे। अशा वाहनांमध्ये फेरफार करून ती रस्त्यावरती वापरली जात आहे, त्याच्या विरुद्ध ही मोहीम आहे। त्याच्यामध्ये रस्त्यावर आता मागच्या काही काळामध्ये या इलेक्ट्रिक वाहनांना आगीच्या दुर्घटना होत आहेत, तसेच रस्त्यावरती अपघात वाढत आहेत त्यांच्यामुळे। तर हे रोखण्यासाठी आणि रस्ता सुरक्षा दृष्टिकोनातून ही मोहीम राबवली जाते। नाही, डीलरने अशा प्रकारचे ग्राहकांना म्हणजे खोटं फसवणूक करून किंवा खोटं सांगून गाड्या विकल्या नाही गेल्या पाहिजे। ग्राहकांनी पण याच्या बाबतीत जागरूक राहिलं पाहिजे की आपल्याला कुठल्या प्रकारचं वाहन दिलं जाते, याच्या याला खरंच नोंदणीची गरज आहे का, या गोष्टी सर्व तपासूनच ग्राहकांनी हे वाहन मोटर वाहन कायद्यानुसार यांच्यावरती आपण कारवाई केली जाते। शिवसंग्राम संगठन के संस्थापक अध्यक्ष विनायक मेटे ने भाजपा के साथ अपनी भूमिका स्पष्ट की है। हालांकि एक बार फिर विनायक मेटे और भाजपा के बीच संघर्ष होते दिखने वाला है। इस विषय पर विनायक मेटे ने अधिक जानकारी दी। विनायक मेटे का शिवसंग्राम संगठन भाजपा का एक घटक दल है। हालांकि विनायक मेटे राज्य में बीजेपी के साथ है, लेकिन उन्होंने बीड जिले में बीजेपी के साथ संघर्ष लिया है। मेटे की भूमिका से पहले भाजपा नेता पंकजा मुंडे और विनायक मेटे के बीच तकरार हुई थी। अब जब विनायक मेटे ने एक बार फिर अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है तो बीड जिले में बीजेपी के खिलाफ शिवसंग्राम जैसा मैच खेला जाएगा। विनायक मेटे द्वारा स्पष्ट की गई भूमिका के बाद बीजेपी ने भी अपनी राय दी है। बीजेपी ने बीड विधानसभा सीट से मेटे को मैदान में उतारा था। उस वक्त बीजेपी ने खुद उनके लिए प्रचार किया था। हालांकि वह जिला राजनीति में भाजपा के साथ नहीं रहते हैं। ऐसी स्पष्ट राय भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राम कुलकर्णी ने व्यक्त की है। जिल्ह्याच्या राजकारणात माननीय विनायकरावजी मेटे यांना भारतीय जनता पार्टीनं बीड विधानसभेची उमेदवारी दिली, तेव्हा बीडमध्ये त्यांचं काम भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी येऊन केलेलं आहे। मुळात तेच जिल्ह्याच्या राजकारणात भारतीय जनता पार्टीसोबत राहत नाहीत म्हणून अशा प्रकारचं त्यांना ते वाटतं। नाही, माननीय आमच्या नेत्या पंकजाताई मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बीड जिल्ह्यामध्ये काम करत असताना ताई सर्वांना सोबत घेऊन घेण्याचा प्रयत्न करतात, पण अनेकदा असं होतं
की पंकजाताईंनाच विरोधात कसं काम करता येईल, पंकजाताईच्या विरोधामध्ये कसं जाता येईल, अशा प्रकारची भूमिका अनेकदा मेटे साहेबांनी घेतलेली संपूर्ण जिल्ह्याला माहिती आहे. आणि ते भारतीय जनता पार्टी पक्ष नेतृत्व तो त्यांचा विषय आहे, त्याबाबत मी जास्त काही बोलत नाही. मी वारंवार आपल्याला स्पष्ट केलेलं आहे, परवाही बोललो कालही बोललेलो आहे की महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये आम्ही शिवसंग्राम घटक पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या सोबत आहोत. बीडमध्ये सुद्धा आम्ही होतो, म्हणजे 14 लोकसभेच्या निवडणुकीला होतो, 15 विधानसभेच्या निवडणुकीला होतो, नंतर 15 दुर्दैवाने मुंडेसाहेब वारल्यानंतर आपल्यातून निघून गेल्यानंतर पोटनिवडणूक झाली, त्याच्यामध्येही आम्ही सोबत होतो. परंतु नंतरच्या 1-2 निवडणुकीमध्ये मात्र दुर्दैवाने भारतीय जनता पक्षाच्या बीड जिल्ह्याच्या मंडळीला वाटायला लागलं की आपल्याला शिवसंग्रामला सोबत घ्यायचं नाही. हे आम्ही भारतीय जनता पक्षाच्या सोबत घटक पक्ष म्हणून आहोत. बीड जिल्ह्यातल्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी हे ठरवायचं की शिवसंग्रामला सोबत घ्यायचं की नाही घ्यायचं, हा तो त्यांचा प्रश्न. पंकजा मुंडेंनी चर्चेला जर बोलावलं तर तुम्ही नाही नाही अगोदर असं आहे की त्यांनी त्यांचा काय निर्णय होतोय ते झाल्याच्या नंतर मग निर्णय घेऊ ना. नासिक में येवला तालुका के वाई बोथी में खेत के कुएं में 50 फीट अंदर गिरे हुए मृग की जान बचाई गई. खेत के मालिक कचरू आगवन को अपने खेत में जाते समय कुएं में मृग के गिरे जाने की बात पता चलते ही उन्होंने तुरंत वन्य प्रेमी प्रवीण आहिर इनसे संपर्क किया. उन्होंने स्थानीय युवकों की मदद से कुएं में गिरे मृग को रस्सी की सहायता से सही सलामत बाहर निकालकर उसे जीवनदान दिया. मृग को जंगल में छोड़ दिया गया है. क्राइम ब्रांच पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि एक टोली नकली श्योरिटी डॉक्यूमेंट्स बना रही है. इसका पता चलते ही पुलिस ने छापा मारकर इस टोली के कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि आगे की जांच पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के मार्गदर्शन में की जा रही है. नागपुर में क्राइम ब्रांच पुलिस अंतर्गत नकली श्योरिटी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले टोली पर रेड कर पुलिस ने उनका पर्दाफाश किया है. यह टोली आधार कार्ड, टैक्स रसीद, राशन कार्ड ऐसे कई नकली डॉक्यूमेंट्स नकली लोगों की पहचान पर बनाए जाते थे. पुलिस को इस मामले की गुप्त जानकारी मिली थी. जानकारी के मिलते ही पुलिस ने रेड मारकर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी आरोपियों की जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है. इस मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा प्रथम चरण पर जांच शुरू की गई है, ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी. कुछ एक गोपनीय इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ बोगस श्योरिटी तैयार करने और कोर्ट में पेश करने की एक टोली कोर्ट प्रेमाइस के बाहर में सक्रिय है. इसको ध्यान में रखते हुए क्राइम ब्रांच के द्वारा वर्कआउट की गई थी और कल रेड करके कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है. उनके पास से काफ़ी सारे बोगस डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड्स, टैक्स पावती, सॉल्वेंसी डॉक्यूमेंट्स, राशन कार्ड्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं. साथ साथ लैपटॉप्स, कलर जेरोक्स मशीन्स, प्रिंटर्स जो कि जिसकी यूज़ ये बोगस डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए यूज़ की जाती थी वो सब मिले हैं. इसमें 2 आरोपी अभी फ़िलहाल अरेस्ट किए गए हैं, कुछ और लोग वॉन्टेड हैं. इसमें पूरी तरीके से अभी तपास क्राइम ब्रांच के द्वारा किया जा रहा है, प्राथमिक स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है. परंतु पूरी जो ये रैकेट है जिसमें जिसको जमानत मिला, जिसने बोगस श्योरिटी खड़ा किया और बोगस श्योरिटी जिसने देने में मदद किया और जो डॉक्यूमेंट्स बोगस तैयार की, ये सभी इसमें आरोपी होंगे. तपास की जा रही है और पूरी हम तह तक डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे. जी, आधार कार्ड को ये फोटोशॉप करके उसमें कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह चेंज करके या कुछ और डिटेल्स चेंज करके अलग अलग लोगों को खड़ा करते थे ये आधार कार्ड के आधार कार्ड एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करके, और इसकी यूज़ उस श्योरिटी के लिए की जाती थी. कितने सालों से ये चल रहा था गोरखधंधा? अभी फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन बहुत प्राथमिक स्टेज पे है, इसकी ज़्यादा डिटेल्स अभी मैं नहीं दे पाऊँगा. इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो पूरी इसकी जो भी लोग और जितने दिन से भी कर रहे थे उसको पूरा रैकेट अनर्थ किया जाएगा. केबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेश चौहान की रिपोर्ट. बुल्ढाणा में जिला कृषि विभाग ने एक खाद के बदले एक और खाद लेने की सख्ती करने वाले सागर फर्टिलाइजर कृषि केंद्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
और तालुका कृषि अधिकारी ने कृषि केंद्र के मालिक को मामले का स्पष्टीकरण भी मांगा है। 850 कस काय सर लिंकिंग नहीं म्हणता सर तुम्ही लिंकिंग कशी नाही सर तुम्ही लिंकिंग कशी भरोसा सांगू राहिले लिंकिंग नाही साहेब म्हणतात लिंकिंग नाही तुम्ही शूटिंग करा आणि लिंकिंग कशी भरोसा म्हणू राहिले लिंकिंग तुम्हाला कोणी सांगितलं लिंकिंग करायला जिला कृषि विभाग ने बुल्डाना में सागर फर्टिलाइजर कृषि केंद्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। डीएपी खाद चाहिए तो दूसरे कंपनी का खाद लेना ही पड़ेगा, ऐसी सख्ती करने वाले बुल्डाना के सागर फर्टिलाइजर कृषि केंद्र का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। बुल्ढाना तालुका के धसालवाड़ी के एक किसान अजय शेवाले ने कल 1 जून को तालुका के कृषि अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई और तालुका के कृषि अधिकारी दिनकर मराठ से उनके साथ जाने का अनुरोध किया। किसान और अधिकारी दोनों बुल्ढाना के सागर कृषि केंद्र पहुंचे, जहां किसान ने खाद की मांग की। तालुका कृषि अधिकारी के सामने किसान को एक और खाद लेनी ही पड़ेगी, ऐसा कृषि केंद्र के मालिक ने कहा। उसके बाद तालुका कृषि अधिकारी को अपना परिचय देना पड़ा। अधिकारी ने केवल कृषि सेवा केंद्र के मालिक से मामले का स्पष्टीकरण मांगा है। मामले को कृषि अधीक्षक नरेंद्र नाइक ने उठाया और इस कृषि केंद्र का लाइसेंस कल रद्द कर दिया गया है। श्री अजय शेवाड़े राणा ढासाड़वाड़ी तालुका बुलढाणा येथील शेतकऱ्यांनी खताबरोबर लिंक करून मायक्रोला त्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी सक्ती केली सागर सीड्स अँड फर्टिलायझर्स या विक्रेत्यांना। त्याच्यामुळे ते तक्रार तालुका कृषी अधिकारी बुलढाणा यांच्याकडे आल्यानंतर ते स्वतः त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर त्यांनी स्वतः त्यांना नोटीस दिली, परंतु नोटीस न देता समोर प्रत्यक्ष जेव्हा घडलं त्यास त्यांनी कार्यवाही करणं अपेक्षित होतं, त्यांनी थोडंसं हलगर्जी केल्यामुळे त्यांना आपण कारणादाखवा नोटीस दिलेली आहे। आणि या सर्व प्रकारावरती एकंदरीत सर्व आढावा घेऊन केलेली वारंवार सूचना देऊन देखील विक्रेत्यांना लिंकिंग पद्धतीनं खतं विक्रीची पद्धत जी सुरू केलेली आहे याचं निलंबन काल सायंकाळी आपण केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये सर्व स्टॉक जो आहे तो सीज करून घेतलेला आहे। औरंगाबाद का नाम बदलने के विवाद के बाद अब अहमदनगर का नाम बदलने की मांग सामने आई है। भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की मांग की है। पडलकर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर नाम बदलने का आग्रह किया है। इतना ही नहीं, पडलकर ने एक पत्र में शरद पवार पर टिप्पणी की है। दूसरी ओर राकापा विधायक अमोल मितकरी ने बिना पडलकर का नाम लिए इस पत्र का आनंद लिया है। सैकड़ों हिंदुओं की जान जाने वाले मुंबई ब्लास्ट के सूत्रधार दाऊद इब्राहिम, इनकी बहन के साथ आर्थिक भागीदारी रहने वाले नवाब मलिक, इनके पालनकर्ता शरद पवार, इनको राजमाता की जयंती मतलब पोते को लॉन्च करने के इवेंट लगता है, ऐसा पडलकर ने कहा। इसके बाद उन्होंने अहमदनगर के चौंडी में हाल ही में पारित पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर के जयंती के अवसर पर पवार दादा भांजे की मुगलशाही ने पुलिस बल का दुरुपयोग किया और अहिल्या देवी भक्तों को चौंडी जाने से रोके जाने की जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर दी। राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी का जन्म जिस जगह पर हुआ उसका नाम अहमदनगर से अहिल्यानगर होना चाहिए, ऐसा मत पडलकर ने पत्र द्वारा व्यक्त किया है। जिसके बाद अमोल मितकरी ने पडलकर का नाम न लेते हुए उनके पत्र की चुटकी ली। वह गुरुवार को खामगांव में कांग्रेस के पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा द्वारा आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। देवेंद्र फडणवीसांना खुश करण्याकरता अलीकडे काही लोकांनी महाराष्ट्राचं सामाजिक राजकारण बिघडवण्याची सुपारी घेतलेली आहे। त्यातील एका सुपारी बहाद्दराने आज मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून ज्या पद्धतीनं एक पवार साहेबांवर आक्षेपार्ह त्या टिप्पणी केलेली आहे किंवा पुण्यश्लोक अहिल्यामाई होळकर यांच्या जयंतीचं सुद्धा सोयीनं राजकारण करून महाराष्ट्रामध्ये एक वेगळ्या पद्धतीनं हे करण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यांना माझं सांगणं आहे की देवेंद्र फडणवीसांना खुश करण्याकरता हे पाप करू नका। राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यामाई हे अख्ख्या जगाचं दैवत आहेत, त्याच्यामुळे त्यांच्या जयंतीला सोयीचं राजकारण करून आपल्याच बहुजन समाजामध्ये फूट पाडून वेगळ्या पद्धतीनं फडणवीसांना खुश करण्याचा प्रयत्न करू नका। या पत्रामागे फडणवीसांची चाल आहे, हे पत्र फडणवीसांच्या इशाऱ्यावरूनच लिहिलं गेलं असेल आणि फडणवीसांनीच त्यांना असं पत्र लिहायला भाग पाडलं हे माझं स्पष्ट मत आहे। राहिला प्रश्न नामांतराचा, अनेक दिवसांपासून प्रश्न प्रलंबित आहे, औरंगाबाद शहराचं नामांतरण असेल किंवा आता यांचं म्हणणं आहे नगरचं नामांतरण करा। आमचं म्हणणं स्पष्ट आहे, आजचे महत्त्वाचे मुद्दे जे आहेत ते मुद्दे आहेत बेरोजगारी, वाढलेली महागाई, केंद्र सरकारची चुकीची धोरणं,
यावर बोलण्याचं धाडसानं हिंमत दाखवा ना. तर आला अहिल्यामाई होळकरांना ज्या पद्धतीनं इथलं लोकशाही अपेक्षित होती ती लोकशाही पुनरुज्जीवित करण्याचं काम केलं पाहिजे. त्यांना उत्तम प्रशासक म्हणून पाहिलं जातं. त्यांनी देशामधली महागाई रोखण्याकरता प्रयत्न केले. त्यांनी महेश्वरला रेशीमच्या साड्यांचा कारखाना काढला. किती मोठा इतिहास आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या पापांना झाकून ठेवायचं आणि महाराष्ट्र सरकारला तेवढं वेठीस धरायचं हे जे धोरण फडणवीसांनी आखलं आहे हे अत्यंत चुकीचं आहे. राजमाता अहिल्यामाई होळकर यांचं नाव शहराला देणं ती मागणी करणं हे सोपं असतं, पण त्या शहरातल्या जनतेला उपासमारीची वेळ येऊ नये अशी व्यवस्था निर्माण करणं हे खऱ्या अर्थानं त्यांच्या विचाराची अंमलबजावणी असते. अर्ध्या हळकुंडांनी पिवळं झालेल्या या नेत्याच्या पत्राला कवडीची किंमत नाही. अहिल्यामाई प्रत्येकाच्या हृदयात आहेत. देवेंद्र फडणवीसांचा हा डाव कधीच यशस्वी होणार नाही. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बार बार उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. सभी का फिर से स्वागत है. बॉर्डर पर आरटीओ चेक पोस्ट पर की जाने वाली अवैध वसूली के खिलाफ नागपुर के बंटी बाबा शहर के देवरी बॉर्डर के चेक पोस्ट के पास आंदोलन पर बैठे हैं. उन्होंने अवैध वसूली के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी इस समय की. देश में राज्यों के बॉर्डर पर आरटीओ चेकपोस्ट पर अवैध वसूली की जाती है, लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता. कई ट्रक चालकों द्वारा इस वसूली के खिलाफ दबी आवाज़ में विरोध भी किया जाता है, लेकिन अब इसके खिलाफ बंटी बाबा शेलके देवरी बॉर्डर के सामने आंदोलन पर बैठे हैं. उन्होंने इस अवैध वसूली पर कार्रवाई करने की भारी मांग की है, जबकि नागपुर ट्रेलर ओनर्स यूनियन ने आंदोलन की जगह पर जाकर अनशन पर बैठे बंटी बाबा शेलके के इस आंदोलन को समर्थन दिया है. जो सारा मुद्दा बंटी भाव शेलके जी ने लिया है ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और भ्रष्टाचार जिस पैमाने पर और बड़े व्यापक पैमाने पर पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में व्याप्त है, और उसका कारण हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है. मोटर व्हीकल एक्ट में जो हमारा बनाया गया है वह बनाया गया है यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए. तो वो करना तो दूर, जिन लोगों को, जिस एजेंसी को इसकी जवाबदारी दी गई है, तो
तो ये तो काम करते नहीं है, जो काम नहीं करना चाहिए इसके माध्यम से अनावश्यक रूप से उगाही की जाती है। ये आज का मुद्दा नहीं है, ये हमेशा से चला आ रहा है। और 2019 में जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट हुआ था तो इस विश्वास के साथ किया था कि ये हमारी यातायात व्यवस्था को सुधारेगा, परिपक्व करेगा और हम कहीं विश्व के साथ में अग्रणी बन के चलेंगे। आज 2019 से लेके 2022 हो गया, 3 साल हो गया, ढाक के 3 पात है। जैसा पहले व्यवस्था थी वैसी आज व्यवस्था है, इसमें कोई अंतर नहीं आया है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारी 95% गाड़ियाँ बिल्कुल सही चलती हैं, वो गाड़ी ओके है, उनके पेपर ओके है, फिटनेस ओके है, उनके इंश्योरेंस है, PUC है, परमिट है, सारी सही गाड़ियाँ हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत माइनर चीज़ें नहीं रहती जो एक्ट में बनाई गई हैं कि ड्राइवर्स जूता नहीं पहने हैं, गुटखा नहीं है, अग्निशामक यंत्र नहीं है, या हो सकता है कि फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम भी तैयार हैं उसके लिए, आप इनकी व्यवस्था करवाइए, गाड़ी वालों को बताइए कि आपका ये नहीं है, इसका हम इतना चलान करते हैं, क्लियर करिए। वो चलान करते टाइम वो नहीं लिखते हैं कि हम किसका चलान कर रहे हैं, चलान में धारा लिख देते हैं कि धारा इसका, धारा इसका, वो धारा क्या ड्राइवर समझेगा, क्या कौन समझेगा? आप सीधे लिखिए ना कि क्या किसका चलान कर रहे हो आप, क्या ऑफेंस कर रहा है ड्राइवर, तो समझ में भी आए, तो दोबारा वो गलती भी नहीं करेगा। भाई जब पता चलेगा उसको कि हम क्या गलती, अब यहाँ तो गलती करने वाले को, गुनाह करने वाले को कुछ पता नहीं है, वो सजा मिल जाती है। अब ये स्थिति ये चल रही है, अब इनके पास में ये तो कुछ सही चीजें हैं, उसके अलावा यदि आप ज्यादा बात करो तो अनावश्यक अधिकार, इनके पास तो अधिकार है, उसका अनावश्यक पालन करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, और वो दुरुपयोग करने के कारण ये हमारे सब समाज में पूरी तरह से उत्पीड़न का काम लगातार हो रहा है। और इस विषय में कई बार, अच्छा हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जो भी ट्रांसपोर्ट के संगठन है पूरे देश में व्याप्त है, वो किसी एक छतरी के नीचे नहीं है, पीड़ित सब हैं, परेशान सब हैं, लेकिन लड़ने के लिए कहीं कोई नहीं आ रहा। आज बंटी भाव सेल के आज महीना डेढ़ महीना से लगातार इसके पीछे जेल तक जाके आ गए हैं लड़ाई करने के लिए, और लगातार अभी भी लड़ रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। हम इनका समर्थन भी करने आए हैं, सहयोग भी करने आए हैं, और हम सभी लोगों से आह्वान करते हैं, पूरे जितने भी लोग हैं, चाहे वो भले ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं या नहीं हैं, सभी लोग इस बात का, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, इसका समाधान सभी ने करना चाहिए। हम सभी लोगों को इस आपके माध्यम से सभी लोगों को आह्वान करते हैं, और आने वाले समय में ये लड़ाई को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए, तब तक जब तक कि हम लोगों को सफलता नहीं मिल जाती है, लड़ने के लिए अपनी आप को तैयार रहने के लिए आह्वान करते हैं। इसका मेन मुद्दा बस यही है कि पिछले 6 दिनों से अनशन करने के पीछे का कारण ये है, और बाकी हमारे जो तमाम जो साथी है वो तमाम साथी धरने पे बैठे हुए हैं। मैं खुद 6 दिन से मैंने एक अन्न का दाना भी यहाँ पर प्राशन नहीं किया हुआ है, और 20 तारीख को जो है 20 अप्रैल को हमने मंसर, क्योंकि मैं भी नागपुर में जो है, नागपुर में 65,000 मतदारों के बीच में से मैं वहाँ पर पार्षद बनाऊँ, पार्षद बनने के बाद मैं मध्य नागपुर विधानसभा से वहाँ पर मैं प्रत्याशी भी था, कांग्रेस पार्टी का थोड़ी बहुत वोटों से मैं हारा, तो वहाँ पर जो बहुत से ट्रांसपोर्टर्स है, ड्राइवर्स है, वो लोगों की शिकायतें थी कि आप लोग जो हो, आप लोग अनेक अनेक तरीके से आप आंदोलन करते रहते हो, विभिन्न तरीके के आप आंदोलन करते हो, कहीं ना कहीं पर समस्या का निराकरण करने का काम आप करते हो, लेकिन करने के बाद में भी हमारी जो शिकायतें, वो शिकायतें आप तक आज तक पहुंची नहीं। आपको चेक पोस्ट में जिस प्रकार से अवैध वसूली वहाँ पर की जाती है, गुंडों के माध्यम से RTO के अधिकारी जो है उनके गुंडों के माध्यम से जो है ड्राइवर भाइयों को जो है, ड्राइवर साथियों को मारा जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पर आपने हमारी मांग, ये उचित मांग उठाना चाहिए। तो हम लोग 20 तारीख को, 20 अप्रैल को मैं और मेरे तमाम जो साथी है, तमाम साथी मंसर के चेकपोस्ट पर लाइव वीडियो के माध्यम से हम लोग वहाँ पर गए, ट्रक में बैठ के जाने के बाद में वहाँ पर देखा कि ड्राइवर बेचारा उतरा और वो RTO से न मिलते हुए वो डायरेक्ट पीछे की खिड़की में गया। पीछे की खिड़की में जाने के बाद में 6x8 इंच की खिड़की थी, तो बाद में ड्राइवर आया, ड्राइवर से मैंने पूछा कि भैया ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर वो RTO जो अधिकारी है उनके वहाँ पर अवैध गुंडे बैठे हुए रहते, नीचे मुंडी कर भी अगर आप उनका अगर चेहरा अगर देखना चाहोगे तो उनका चेहरा आप देख नहीं सकते। बस वो आपने गाड़ी के कागजात दी, जितनी गाड़ी की फाइल रहती है कागजात की, वो फाइल जाने की ही सिर्फ जगह रहती, और हाथ में उसने अगर
ऐसा इशारा किया तो 300, ऐसा इशारा किया तो 700, बस उतने लेकर ही हो जाता। वो होने के बाद में उसके दूसरे दिन यानी 20 अप्रैल को जब हमने वहाँ पर लाइव वीडियो, फेसबुक लाइव वीडियो जब बनाया, लाइव वीडियो बनाने के बाद में वहाँ पर कपूरिया नामक अधिकारी वो बरमोड़े पे था, तो इसलिए मैं अभी बरमोड़े पे हूँ। जबकि कोई भी अधिकारी है, आरटीओ अधिकारी है, पुलिस का कोई भी अधिकारी है, वो वर्दी पे रहते हैं। तो ये आरटीओ अधिकारी को भी एक वर्दी जो है शासन प्रशासन की ओर से दी गई है, ये वर्दी पे रहते नहीं। अगर वर्दी पे नहीं रहते, उन्होंने अपने अलग अलग जगह पर प्रत्येक अधिकारी का एक एक मैनेजर उन्होंने पाल के रखा हुआ है, उन्होंने उनके अवैध गुंडे वहाँ पर पाल के रखे हुए हैं कि संविधान के अनुसार, शासन के अनुसार और परिपत्र के अनुसार जो है वहाँ पर एक आरटीओ हर चेकपोस्ट पर, एक आरटीओ के बाद में उसके नीचे में एक चपरासी, उसके नीचे में एक राइटर, उसके नीचे में एक क्लर्क, ये चार लोगों के अलावा वहाँ पर पांचवा आदमी चाहिए नहीं। लेकिन आप अगर समझ लो, मैं आम जन से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी अगर जाकर वही वहाँ पर अगर कभी देखोगे तो आपको वहाँ पर धड़ल्ले से 20 से 25 वहाँ पर गुंडे दिखेंगे जो आरटीओ ने पाले हुए। बीकेबी न्यूज के लिए नीलेश फरकाड़े की स्पेशल रिपोर्ट। वाशिम तालुका में चिखली भू गांव को जोड़ने वाली सड़क बहुत खराब स्थिति में है और इस सड़क पर काम को तुरंत मंजूरी दी जानी चाहिए और सड़क का काम शुरू होना चाहिए। इस मांग पर समय समय पर संबंधित विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने पर मनसे के कार्यकर्ता मनसे परिवहन शाखा की ओर से जिला परिषद निर्माण विभाग पहुंचे और कार्यालय में तोड़फोड़ की। इस बीच संबंधित निर्माण अधिकारियों ने शहर थाने में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पति के निधन के बाद अंत्यविधि के समय पत्नी के माथे का कुमकुम पोछा जाना, मंगलसूत्र तोड़ा जाना, पैरों से बिछिया निकाल लेना, ऐसी अनिष्ट प्रथा बंद करके विधवा महिलाओं की चल रही परंपरागत कुप्रथा को बंद किया जाए, ऐसा संकल्प करमाला तालुका के पोथरे गांव की ग्राम सभा में मंजूर किया गया है। करमाला तालुका के पोथरे गांव में विधवा प्रथा बंद करने के लिए सरपंच धनंजय झिंझाड़े इनकी अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस ग्राम सभा में कानून हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, लेकिन विधवाओं को सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति नहीं है, बल्कि उनके साथ अलग व्यवहार और अपमानित किया जाता है। यह अनिष्ट परंपराओं को बंद करके विधवा महिलाओं का सम्मान हो, इसके लिए शासन ने सर्वसम्मति से विधवा सम्मान अधिनियम बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। इस अवसर पर समूह विकास अधिकारी मनोज राउत, पुलिस निरीक्षक सूर्यकांत कोंकणे, ग्रामीण विकास अधिकारी हरिभाऊ दरवाड़े, उपसरपंच अंकुश शिंदे आदि उपस्थित थे। जो क्रांतिकारी ठराव झालाय त्याच्यासाठी मला वाटतं आमच्या गावातील सर्व महिला आणि जे पुरुष मंडळी आहेत त्यांचा पूर्णपणे सहभाग आणि त्या महिलांना सन्मान, असा दोन्ही बाजूने आम्ही सातत्याने त्या महिलांना सन्मान देण्याचा प्रयत्न करू आणि त्यांना इथून पुढे विधवा जी प्रथा आहे ती पूर्ण विधवा प्रथा बंद करून जे सुहासणीचा मान सन्मान असेल तोच आजपासून आमच्या ठरावामध्ये असा मंजूर झाला आजपासून की यापुढे आम्ही कधीही विधवा महिलांना असं दुय्यम सन्मान देणार नाही। आज पोत्र निलज ग्रामपंचायत येथे आजचा जो विषय होता की महिला विधवा जी अनिष्ट प्रथा रूढी बंद करण्याबाबत आणि दुसरा विषय होता बालविवाह प्रतिबंध कायदा, या दोन्ही ठरावाची अंमलबजावणी आज या ठिकाणी अहिल्यादेवी होळकर या जयंतीनिमित्त आज हा ठराव पारित केलेला आहे। आज ग्रामपंचायतीचे याच आपण सर्व ग्रामस्थ याचे साक्षीदार आहोत। या साक्षीदाराच्या निमित्ताने आपल्या कर्म पोलीस स्टेशनचे PI कोकणे साहेब, माझे मिस्टर वीर मी वीर नारी आहे, माझे मिस्टर शहीद झालेत, पण जे मला काही मी काय अनुभवलं नाही विधवापण, मी सगळं मी जशी सौभाग्यवती राहते तशी मी राहिले, पण ज्या दुसऱ्या काय महिला आहेत त्यांना फक्त तसंच वागवावं, हिथून पुढं पण आणि हिथून मागच्या पण महिलांना सगळं अलंकार आहेत ते घालायला द्यावेत, त्यांचा त्यात काही गुन्हा नसताना जो समाज त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करतो आहे हे घालू नका ते घालू नका ते खरंच मान्य केलं पाहिजे समाजाने आणि त्यांना सर्वसामान्यासारखं राहायला दिलं पाहिजे। अकोला नगर निगम का प्रशासन पूरी तरह से असंगठित है और इसका खामियाजा शहर की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल नगर प्रशासन द्वारा मानसून से पहले नालों की सफाई न करने के कारण अकोला के अधिकांश नागरिकों को अपने घरों में नालों की घुसपैठ से भारी आर्थिक नुकसान हुआ था। शिवसेना के पूर्व पार्षद राजेश मिश्रा ने दावा किया है कि ऐसा नहीं हुआ है।
और अगर नगर निगम प्रशासन ने आने वाले मानसून से पहले शहर के पूरे इलाके की सफाई नहीं की तो शिवसेना अपने तरीके से आंदोलन शुरू करेगी। अकोला महानगर पालिका हद में जो भी गांव के बड़े बड़े नाले हैं, हर साल महानगर पालिका के माध्यम से पानी बरसात के पहले नाले की साफ सफाई होती। पिछले बारी में यहाँ पर तत्कालीन आयुक्त अरोरा मैडम थे, उन्होंने भी वही गलती किया और उस समय भी हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि नाली साफ सफाई करना जरूरी है, लेकिन उन्होंने किए नहीं, उसके कारण लोगों के घरों में पानी घुसा और आज भी वही गलती मैडम कर रही है। हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैडम नाली साफ सफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि स्लम एरिया में लोगों के घर में पानी घुसता और उससे लोगों का नुकसान होता, लेकिन मैडम को कुछ अधिकारियों ने गैर समझ पैदा कर दिए कि नाली साफ सफाई नहीं भी किए तो नाला साफ हो जाता पानी में, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमने मैडम से मिले, मैडम को बताया, मैडम का कहना था कि 90% नाले साफ सफाई हो गई, तब हमने उनके ख्याल में ला के दिया कि पूरे शहर में जो भी नाले हैं उनके हमने फोटोग्राफी ला के दिए और मैडम को बताया कि मैडम ये कंडीशन नाले की है और ये साफ सफाई अगर आपने नहीं किया तो 100% आने वाली बारिश के अंदर अकोला महानगर पालिका में जो भी स्लम एरिया है जहाँ गोर गरीब लोग रहते हैं उनके घर में पानी घुसेगा और उसका नुकसान वो होगा, तो उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा, उसकी जवाबदारी महानगर पालिका की रहने वाली है। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अकोला महानगर पालिका में जो नाले गंदे हैं उसको साफ सफाई हो किया जाए, अन्यथा शिवसेना की पद्धत से महानगर पालिका पे हम ये विषय में आंदोलन करेंगे। कुछ दिन पहले राकांपा में शामिल हुए गुलाम अशरफी को पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। WCL के कर्मचारी के रूप में उसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 1 करोड़ रुपए और दूसरे बैंक से 90 लाख रुपए का कर्ज डुप्लीकेट दस्तावेज बनाकर लिया था। गुलाम अशरफी वाहनों के सीजर का काम कराकर लोगों को ठगता था। नागपुर पुलिस ने बैंकों और नागरिकों को ठगने वाले गुलाम अशरफी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर पहले भी कुछ आरोप लगे हैं। खास बात यह है कि वह कुछ दिन पहले ही राकांपा में शामिल हुए थे। उसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कर्ज के लिए फर्जी दस्तावेज दिए। वह दिखाएगा कि वह WCL का कर्मचारी है। उसने अपनी वेतन पर्ची भी बनाई और उसके आधार पर उसने रुपए का ऋण लिया। इतना ही नहीं, वह संगठित अपराध और कार जैकिंग में भी शामिल था। उन्हें समूह के माध्यम से लोगों को कार खरीदने के लिए मजबूर करने, उनकी संपत्ति को रोकने और उन्हीं कारों को कम कीमत पर खरीदने और फिर उन्हें दूसरों को बढ़ी हुई दरों पर बेचने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। याची MOB अशी आहे की हा गाड्यांची पण सीजरचं काम करतो, एका ग्रुपद्वारे संघटितपणे हा गुन्हा करत आहे। तर लोकांना कर्ज घ्यायला लावायचं, त्याचे जे इन्स्टॉलमेंट आहे 1-2 भरल्यानंतर ते थांबवायला लावायचे, नंतर हे लोन किंवा ह्या गाड्या आहेत त्याचं इन्स्टॉलमेंट थांबल्यामुळं ते NPA टाकायचं, ऑक्शनमध्ये त्याची किंमत कमी करायची। समजा 20 लाखाची गाडी असेल तर 5-10 आत ते आणि हा स्वतः परत घ्यायचं आणि नंतर ती चढ्या भावानं विकायची, अशा बऱ्याच ह्यानं फ्रॉड केलेला आहे। आता बँकेचा जो हा फ्रॉड आहे याच्याबरोबरच अजून 5-6 लोकांना पण अशाच प्रकारचे कर्ज घेतण्याचे आमच्याकडं तक्रारी आहेत, त्याच्यामध्ये पण चौकशी चालू आहे। आपल्या माध्यमातून मी आवाहन करत आहे की हा जो गुलाम अशरफी नावाचा हा गुन्हेगार आहे, त्याच्यावर जुनेही ते काय गुन्हे दाखल आहेत, 307 पण एक गुन्हा दाखल आहे। तर अशा प्रकारचे कुणाची फसवणूक केली असेल किंवा जबरदस्तीनं कुणाकडून असं लोन काढून घेतलं असेल किंवा बँक असतील किंवा फायनान्स कंपन्या असतील, काय आम्हाला अप्रोच पण झालेले आहेत, तर त्यांनी आमच्याकडे यावं आणि बिनधास्तपणे आपली कंप्लेंट करावी। डॉक्युमेंट्स जे सगळे आहेत ते फ्रॉड तयार केलेले आहेत, लायकीचा नसताना एवढा मोठं कर्ज घेण्याच्या त्यानं तसे काही प्रॉपर्टी मॉर्गेज स्वतःच्या नावावरची आहे असे दाखवून फ्रॉड डॉक्युमेंट्स तयार करून बँकेला ते फसवलेलं आहे। सॅलरी स्लिप नसताना पंजाब नॅशनल बँकेची सॅलरी स्लिप तयार केलेली आहे त्यानं बाकायदा, आणि ते सगळे फोर्ज डॉक्युमेंट्स तयार करून बँकेच्या जे अधिकारी आहेत त्यांच्या डोळ्यामध्ये धूळ टाकलेली आहे आणि त्यांची फसवणूक केलेली आहे कर्ज काढून। लोन 1 करोडचं एक घेतलेलं आहे आणि दुसरं एक लोन आहे 90 लाखाचं घेतलेलं आहे, की असं सध्या जो गुन्हा दाखल आहे 1 करोड 90 लाखाचा फसवणुकीचा आणि फोर्जरीचा आहे, 120B पण त्यामध्ये आम्ही सेक्शन ॲड केलेलं। हा गुलाम अशरफी आहे, अनुभव असा आहे की बरेच गुन्हेगार आहेत की पक्ष बदलला, सत्ता बदलली का तो आपले पण सत्ता पक्ष बदलतात, अगोदर हा जो सत्तेत पक्ष होता त्यांच्याबरोबर असायचा, आता त्यांना मला कालच कळालं की दुसऱ्या कुठल्या एका पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे, जेणेकरून त्याचा इन्फ्लुअन्स
लोकांच्यावर पडावा, अधिकाऱ्यांच्या पडावा असे हे गुन्हेगार करतात. पण गुन्हेगारांना कुठला पक्ष आणि कुठला धर्म नसतो, त्याच्यावर आम्ही कारवाई केलेली. धन्यवाद. वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.